नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल टेक्निक सचिन पर स्वागत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्रिप्टो रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेगा। यहाँ पर भी क्रिप्टो रिलेटेड शॉर्ट न्यूज हो या फिर पोस्ट हो, आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बीएनबी कॉइन के बारे में। इसकी पूरी कुंडली जो कि 2022 से लेकर 2025 तक किस तरह से परफॉर्मेंस कर सकता है, यही आज की इस वीडियो में बताया है। दोस्तों, यह जो डाटा निकाला गया है 4 जुलाई के दिन निकाला है, ठीक उसी तरह प्राइजेस रह सकते हैं, प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले इसकी नेम की बात करें तो बीएनबी नाम से हम जानते हैं, जो कि बाइनेंस का नेटिव टोकन है और टॉप 5th में आता है। 5th नंबर पर इसकी रैंकिंग चल रही है और प्राइस की बात करें तो 222.72 डॉलर के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। मार्केट कैप जो कि 36.35 बिलियन डॉलर बन चुका है और फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप जो कि 36.768 बिलियन डॉलर बन चुकी है। उसके बाद 1 ईयर हाई की बात करें तो 669.35 डॉलर जो कि ऑल टाइम हाई लगाया है, ऑल टाइम सॉरी सॉरी 1 ईयर। और उसके बाद 1 ईयर का लो हम बात करें तो 184 यानी कि 184.54 डॉलर का जो कि 1 ईयर लो लगाया है। ऑल टाइम हाई जो कि रिसेंटली हाई जो लगा है वही रहेगा 669.35, और ऑल टाइम लो जो है 0.0398 डॉलर जो कि ऑल टाइम लो है। तो यह थी कुछ बेसिक चीजें जो कि जानना भी बेहद जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं इसके फंडामेंटल्स क्या है, क्या इसके फंडामेंटल्स है, क्या इसके फंडामेंटल्स को देखकर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, पूरी बातें बताएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। फंडामेंटल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है यह इंटरनेशनली नंबर 1 का एक्सचेंज है बायनास, उसका ही यह नेटिव टोकन है। तो इंटरनेशनल नंबर 1 एक्सचेंज होने के नाते इसका नेटिव टोकन भी बहुत ही बढ़िया सा वर्क करेगा, बायनास इसको छोड़ेगा ही नहीं। तो यह एक सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खुद का बायनास स्मार्ट चेन है। इस बायनास स्मार्ट चेन पर बहुत सारे टोकन जो कि जनरेट हो रहे हैं, बहुत सारे टोकन जो कि बना रहे हैं, तो यह भी एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स हम इसको कह सकते हैं। अब यह हो गया फंडामेंटल्स। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या हमें बीएनबी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम इसमें आंसर रहेगा यस। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि यह बाइनेंस का नेटिव टोकन है, तो इसको बाइनेंस इसको छोड़ेगा ही नहीं, इसको बढ़ाता ही रहेगा। उसके बाद यह टॉप 5 में आता है दोस्तों। टॉप 5 क्वाइंस यानी कि कोई मजाक वाली बात नहीं है, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बढ़िया सा परफॉर्मेंस वर्क रहना चाहिए। तो ठीक उसी तरह बाइनेंस का जो कि चल रहा है और कर रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट रूल हमारा है 90% क्रैश का, लेकिन टॉप 5 में, टॉप 10 में जो कि 90% का क्रैश संभव नहीं है, उतना क्रैश नहीं होते टॉप 10 के जो भी कॉइन है। तो हम 75 से लेकर 80% के क्रैश को हम जो कि यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हाई जो नहीं उन्होंने लगाया था 669 डॉलर का, और जो लो लगाया है 184.54 डॉलर का। तो यहाँ पर जो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 73% डॉलर जो 73% की जो कि गिरावट हमें इसमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर बाइंग के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक उसी तरह आप बाइंग जो कि करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा रिटर्न इसमें हमें देखने को मिल सकता है। करंट प्राइस जो चल रहा है वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। 185 डॉलर से लेकर 200 डॉलर के बीच में आप अपनी पहली बाइंग बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से फर्स्ट बाइंग, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर आएगा प्राइस दोबारा, तो आप करंट प्राइस पर अपनी पहली जो कि बाइंग लगा सकते हैं, वरना आप इसके बीच आप पहली बाइंग लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरी बाइंग रहेगी 149 डॉलर से लेकर 155 डॉलर के बीच, और तीसरी बाइंग रहेगी 105 डॉलर से लेकर 120 डॉलर के बीच। तो इस तरह से आप स्टेप वाइज बाइंग करेंगे तो आपका डीसी निकल कर आएगा, यानी कि आपका एवरेज निकल कर आएगा, और आप जब सेल्स करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर टारगेट्स भी हमने कुछ बनाए हैं जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए बनाए हैं। जो कि पहला टारगेट रहेगा $330 के आसपास, आप अपना थोड़ा कुछ पोर्शन यहाँ पर सेल कर सकते हैं। सेकंड टारगेट रहेगा $455 का, थर्ड टारगेट रहेगा $514 का, फोर्थ टारगेट रहेगा $660 का, और फिफ्थ टारगेट रहेगा जो ऑल टाइम हाई है, उसके बाद आपको ट्रेलिंग करना है। तो ट्रेलिंग कैसे करना है मैं आपको सिंपल सा बता दूं, अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो $700 के बाद आप अपना $680 का स्टॉप लॉस लगाकर आप 700 के बाद ट्रेलिंग कर सकते हैं। अगर $750 के पास जाएगा प्राइस तो आप $720 के पास अपना स्टॉप लॉस लगाकर इस तरह से आप ट्रेल करते रह सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि प्राइस प्रेडिक्शन क्या रहेगी। दोस्तों प्राइस प्रेडिक्शन इसकी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, तो इसको मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपको किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें तो लॉन्ग टर्म में 2022 के अंत तक मेरे ख्याल से $330 से लेकर $455 के आसपास जाएगा। उसके बाद 2023 में $514 से लेकर $660 के आसपास जाएगा, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई तक यह पहुंच सकता है। 2024 के अंत तक ऑल टाइम हाई से लेकर $1000 के आसपास जा सकता है, और उसके बाद 2025 में $1000 के क्रॉस यह जा सकता है। दोस्तों सब खेल BTC के ऊपर है, आप इस बात को समझिएगा। किसी भी कॉइन का अगर आप कुंडली निकालेंगे या फिर प्राइस प्रेडिक्शन की बात करेंगे तो BTC किस तरह से मूव करेगा, ठीक उसी तरह ही आपको रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। BTC अगर 2022 के अंत तक ही अपना ऑल टाइम हाई को टच करता है तो BNB भी अपना ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर BTC अपना ऑल टाइम हाई 2023 तक 23 के अंत तक टच करेगा तो BNB भी 2023 तक अपना ऑल टाइम को हाई टच कर सकता है। तो कैसा है कि BTC किस तरह से वर्क करेगा, BTC किस तरह से परफॉर्मेंस करेगा, ठीक उसी तरह ही अल्ट कॉइन भी परफॉर्मेंस करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर BTC $30 के आसपास ही रहेगा 2 साल तक, या $40,000 के आसपास ही रहेगा, तो BNB मुश्किल है अपना ऑल टाइम हाई को टच करे। तो कैसा है BTC किस तरह से वर्क करेगा, ठीक उसी तरह जो कि BNB कॉइन या फिर अल्ट कॉइन भी परफॉर्मेंस करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना पोर्टफोलियो का कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट हमें इसमें करना चाहिए। क्वाइन तो सबसे बढ़िया है, फिर भी हमें इसमें 5% से लेकर 10% का इन्वेस्टमेंट इसमें हम कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो उसमें से 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आप इस क्वाइन में बना सकते हैं। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगा, एक ही क्वाइन में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करेगा। आप कम से कम 5 क्वाइन से लेकर 10 क्वाइंस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसमें से BNB में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बायनेंस का नेटिव टोकन है, अपनी कॉइन को यह नहीं छोड़ेगा, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न आने वाले दिनों में आपको यह दे सकता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से BNB यानी कि बायनेंस कॉइन का नेटिव कॉइन का कुंडली था। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अपना प्यार कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट किस कॉइन की कुंडली हम आपको बनाकर आपको वीडियो पब्लिश करके दे दिए तो उसकी भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस बारे में भी जो कि यह वीडियो बनाऊंगा, जो फिलहाल हमने एक कमेंट मिला था कि हार्मनी कॉइन पर बनाने के लिए, तो हमने उस कॉइन को भी बनाकर उस कॉइन की कुंडली बनाकर अपलोड कर दी है। आप कमेंट करके बताएगा, हम जो कि आपके कमेंट्स को पढ़कर उसे उस कॉइन की जो कि कुंडली बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।